गाइस ये देखो जरा, फिश का स्केलेटन पड़ा हुआ है यहाँ पे। पापा मैं ना इस ब्लैक वाली फिश से बहुत नाराज हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे ना रोज चढ़ाती है ऐसे करके। आओ 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 आओ। सो हे गाइस, की हाल चाल सारा ना, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। हरप्रीत एसडी से अभी हरप्रीत एसडी सड़ी वाली अभी आ रही है। अभी हमने ब्रॉडी को निलाना है, और ब्रॉडी को निलाने से पहले गाइस मैं क्या करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे पास क्वेश्चंस करते हैं कि आप ब्रॉडी की स्किन पे क्या लगाते हो, ब्रॉडी की स्किन कैसे ठीक रहती है। गाइस मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा हूँ, 2-3 साल मैं परेशान रहा हूँ ब्रॉडी की स्किन के लिए। तो मेरे को ये जो सोल्यूशन पता चल रहा है जिससे कि ब्रॉडी की स्किन, वो देखो उसके नीचे घुसी जा रहा है, पता नहीं जाना, बॉडी की स्किन ठीक रहती है। मैं आपको ये देखो, बॉडी की स्किन पे मैंने ये मेडिसिन लगा रखी है। क्या मेडिसिन लगा रखी है, ये कल रात को लगाई थी। जब भी मुझे बॉडी को निलाना होता है ना गाइस, उससे एक दिन पहले रात को लगा देता हूँ, मैं पूरी रात छोड़ देता हूँ लगा के, और फिर नेक्स्ट डे उसको निला देता हूँ। कौन से शैम्पू से निलाता हूँ, कौन सी मेडिसिन लगाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ गाइस। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं इसी चीज़ के लिए कि स्किन पे क्या लगाते हो, बॉडी की स्किन कैसे ठीक रहती है, ये है वो है। तो अगर आपके पास अमेरिकन बुली है, फ्रेंच बुलडॉग है, पग है, लेबरा है, कोई भी डॉग है, स्किन इन्फेक्शन गाइस हो ही जाती है, तो आपको वेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सेम प्रॉब्लम है तो वेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं पता, बट मेरी जो प्रॉब्लम है ये बॉडी ये इस चीज़ से ठीक हो जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ गाइस मैं क्या यूज़ करता हूँ। ये देखो गाइस, ये कितनी ज़ोर ज़ोर से उसकी स्किन पकड़ता है बॉडी की, देखना देखना ज़रा इधर से देखना, ये देखो देखो ये देखो ये देखो ये देखो कैसे स्किन पकड़ रहा है इसकी बड़ी बड़ी। देखो वो देखो कैमरे में, देखो कैमरे में मुझे सब्सक्राइबर्स हमारे, वो देखो ये है वो प्रोडक्ट्स। देखो सबसे पहले तो ये बीटाडीन लिक्विड आती है जो किसी भी केमिस्ट शॉप से आपको मिल जाएगी नॉर्मली, और ये है बीटाडीन लिक्विड, और ये है की स्किन। की स्किन आपको अमेजोन से या पेट शॉप से जाके आप ला सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये की स्किन है अगर फोकस हो रहा है तो, और ये है बीटाडीन। इन दोनों को 50-50% आपने मिक्स करके मैंने इसमें डाल लिया। देखो 50% या की स्किन आप 40-30% कर सकते हो, बीटाडीन थोड़ी ज़्यादा कर सकते हो। मैंने इसमें इस बॉटल में डाल लिया, और इसको निकाल के मैं कैसे अप्लाई करता हूँ बॉडी की स्किन पे मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद आपको ओवरनाइट रख देना है, इसको सूख जाएगा, मतलब पहले आप ऐसी जगह पे कर देना अपने डॉग को जहाँ पे ये सूख जाए थोड़ी देर के लिए। सूखने के बाद आप घर में छोड़ सकते हो, फिर ये किसी भी चीज़ पे मतलब ऐसे सोफे पे वगैरह लगेगा नहीं, क्योंकि गीला होता है तो सोफे वगैरह पे लग जाएगा, कुछ ध्यान रखना उस चीज़ का। और उसके बाद गाइस ये पेट बेन शैम्पू है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको इस शैम्पू से अपने डॉग को नहला देना है, और इस शैम्पू को फेस पे अप्लाई नहीं करना, आँखों में नहीं जाने देना, फेस पे अप्लाई नहीं करना, पूरी बॉडी पे अच्छे से मल के ना 10 मिनट के लिए शैम्पू को लगे रहने देना है, उसके बाद रिंस करना है, उसके बाद नहलाना है अपने डॉग को। तो 10 मिनट बाद नहलाना है गाइस, ये मेडिकेटेड शैम्पू है। अगर आपके डॉग को कोई एलर्जी है कुछ है तो इस शैम्पू से आप नहला सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करना है। ब्रॉडी इधर आओ, ये ले, इसको पता चल गया गाइस कि नहाने वाला है, इसलिए आएगा नहीं। आ जा, आ गया। गुड बॉय। देखो गाइस ये तो मैंने रात को लगा दिया था, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। इसको जैसे मैंने हैंड पे लिया ऐसे, ये देखो हैंड पे लिया, काफ़ी सारा लेना है, और अच्छे से गाइस पूरी स्किन पे ना ऐसे अंदर तक स्किन तक जाए, पूरी बॉडी पे, पूरी फेस छोड़ के आगे पीछे ऊपर नीचे लेग्स पे सब जगह लगा देता हूँ मैं, और अच्छा खासा लगाता हूँ, मतलब अंदर तक सोख जाए स्किन तक। तो गाइस उसके बाद फिर ओवरनाइट रख के आपको नेक्स्ट डे नहला देना है, तो आपको पता चल गया। और गाइस कोई खाने की दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आपका डॉग की स्किन एकदम परफेक्टली फाइन हो जाएगी। और अगर आपको कोकोनट ऑयल देना है खाने के लिए अपने डॉग को, तो आप दे सकते हो, और इवन के बनी को भी मैं आप ये मेडिसिन तो नहीं लगाता, लेकिन इसी शैम्पू से नहला रहा हूँ बनी को भी पहले से ही, ताकि बनी भी ठीक रहे। तो चलो गाइस ब्रॉडी का नहलाने का टाइम हो गया, ब्रॉडी को नाई नाई करा देते हैं, है ना ब्रॉडी? हेलो, कैसा सब सो? गंदी नहीं बनी वैसे, गंदी लग रही है, बताना। ये हमेशा अच्छी लगती है, ये हमारा ब्यूटी पाया है। ये आपको मैं ला दूं यहीं, नहीं 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 डाल देता हूं। चलो गाइस शुरू करते हैं, ब्रॉडी आजा। हम बताते भी नहीं हो, क्लास चल रही थी। हां गाइस ब्रॉडी की क्लास चल रही थी, इसलिए स्टार्टिंग में आई नहीं, कह रही है मेरे बिना क्यों स्टार्ट कर दिया, बदतमीज जानवर वाली। मुझे हरपूत एसडा सड़ू कुकर मास्टर बोलना। अगर ये हरपूत एसडा सड़ू मिस कर देती है ना गाइस, इतनी जान खाती है मेरी कि आपने क्यों स्टार्ट किया, मुझे हरप्रीत अंशुल बोलना था। थोड़ा कैमरे को हल्का सा नीचे कर देते हैं। अरे कुछ नहीं होता, मैंने आपको बोल दिया पापा।
बोल दिया बस पड़ गया ध्यान लाओ दो जल्दी दो गंदा चलो गाइस बॉडी को नहलाए हैं पर मुझे मत गीला करना नहीं करूंगी गर्मी गर्मी इतनी है गाइस को मजा आ रहा है आराम से वो देखो वो अपने मजे ले रहा है छींटे मारूंगा आप इसके बट आ रहा है अरे चल गया पानी खत्म हो गया वो पानी नहीं खत्म हुआ साबुन चाटने आ गया ब्रॉडी का आ, वो साफ कर रहा है क्लीनिंग कर रहा है ब्रॉडी की पानी ये बहुत शैतान है गाइस ये बहुत शैतान है अबे हट जाना यार शैतान कर रहा है आप भी आ जाओ ना कैमरा रख दो गाइस देखो मैं ऐसे हूं ऐसे तो गाइस ब्रॉडी गुड बॉय बन गया ना के और इसने बहुत परेशान किया हुआ है देखिए देखो मैं ब्रशिंग कर रहा हूं देखो गाइस और मैं अभी सेटिंग करके आई हूं पहली बार नहीं सेकंड टाइम हां कैमरे की सेटिंग करके आई है पहली और ब्रशिंग के साथ साथ ही सूख भी गया ये देखो ये देखो इसको अबे हट जाना यार पुनीत क्या हुआ दिखाओ जरा इनको जरा आज क्या हुआ हड्डी गाइस ये देखो जरा फिश का स्केलेटन पड़ा हुआ है यहां पे ये देखो ये हमारी जो सकर फिश थी ना सकर फिश का इन फिशेस ने देखो खा खा के क्या हाल कर दिया है और पापा मुझे लग रहा है दिन में गाइस बस एक दिन हमने देखा नहीं फिश को ऐसी तैसी कर दी है गाइस ये चार दिन से भी हो सकती है बहुत दिनों से भी हो सकती है मैं देखता हूं रोज आज देखा अब इसको निकालना पड़ेगा बाहर ये देखो गाइस क्या हाल कर दिया है फिश का उसका स्केलेटन हड्डी बड़ी हुई है बस उसकी पापा मुझे लग रहा है इसने खाया होगा यही सबसे मोटी और यही सबसे लंबी है ब्लैक वाली हां जरूरी नहीं है बच्चा पापा मैं ना इस ब्लैक वाली फिश से बहुत नाराज हूँ क्यों क्योंकि ये मुझे ना रोज चढ़ाती है ऐसे करके आउ 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 तेरी ऐसे की तरह ये कौन सी सिखाया है रोज चढ़ाती है हाँ यार ये तो बात सही है आउ 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 चलो हम निकालते हैं अब ये पानी घुसे अंदर आप कैमरा पकड़ो मैं निकालता हूँ फिश मैं निकालू आज आप नहीं निकाल पाओगे मैं निकालती हूँ मैं निकालू कोशिश करती हूँ आप ही निकाल पाओगे वो नहीं करंट भी होता है इसमें वाटर में कोशिश करती ना नहीं निकाल पाओगे कह रहा हूँ एक बार मैं एक दो तीन चार बार ऊपर चढ़ो इसके ऊपर करंट लगता ऊपर चढ़ गया बल्कि करंट नहीं लगेगा जो पूरे उसके वो होते हैं ना फिन्स वो भी पूरे अलग अलग हो रखे हैं पूरे पार्ट्स अलग हो रखे हैं खा गए उसको चलो ध्यान से मर कैसे गई मेरे समझ नहीं आई मुझे ये हैरानी हो रही है मैंने देखा कैसे नहीं मतलब आप नहीं निकाल पाओगे दूसरी फिश है ना पकड़ो करो करो नहीं नहीं नीचे जाओ अब नहीं लगेगा मैंने बंद कर दिया निकालो पकड़ो 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 नीचे करो मम्मी यार ये डर ही लग रहा है मुझे पानी में डाल लिए पकड़ लो नीचे करो नीचे नीचे करो ना टच करो और पूरा नीचे पानी में हाथ डाल लो कुछ नहीं होता फिश आ रही है ना मुझे डर मम्मा मम्मा क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया आप ही पकड़ो पापा आप ही करो मुझे डर लग रहा है लाओ कैमरा पकड़ो आप पकड़ो एक बार ट्राई कर रही हूं एक बार और ट्राई कर रहे हो हाँ मुझे पता है आपने डरना ही है चलो करो मैं क्या करूँ यार मुझे इसको डर है करो करो निकालो 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 पकड़ो 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 पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पागल हाँ हाँ और फिर से करो नीचे 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 तक लेके जाओ पहले उसको थोड़ा सा हिलाओ 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 हाँ आ गई आ गई आ गई फिर से करो हाँ बस नीचे करो नीचे पकड़ो 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 गुड 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 दूसरी फिश अभी निकल कर आती है ये देखो गाइस स्केलेटन देख लो फिश का अभी पानी मत बाहर फेंकना रुको आराम से पहले पानी निकाल लो अंदर हाय हाय ये देखो गाइस छी 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 दिखा ना उल्टी आती है ऐसे देखकर ये पूरी एक बार ट्राई करना ये फिशेस ये खाती हैं तो इनको टेस्ट कैसा आता है एक बार ट्राई कर लो आओ तो सही ट्राई तो करो गाड़ी में ट्राई बनी रे वो तो खा भी जाएगा बनी तो खा भी जाएगा हट पता नहीं जान ए ठीक गंदु मुच्चा हट जा ब्लैक से भी पहले ये पिंक वाली सबसे छोटी वाली फिश ब्लैक से पहले हम वो लाए थे और अभी तक नहीं मरी ये वाली फिश है ना ये वाली ये कम से कम गाइस 5 या 4 इयर्स पुरानी फिश है छोटी सी ये देखो ये वाली बहुत पुरानी ये 4 इयर्स पुरानी फिश है और इसको टच वुड खैर और भी आई थी इस वक्त बाकी मर गई हाँ, बाकी सारी मर गई एक येलो कलर भी थी वो भी मर गई चलो पुनीत हम नाइन नाइन करें हम दोनों गोप्रो लेके चलेंगे अंदर
नहीं नहीं दोनों हाँ गोप्रो 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 आपको नहीं नहीं भी दिखानी है क्या हाँ कि मैं आपको कैसे गीला करती हूँ और कैसे खेलते हैं हम चलो ठीक है ये मैं अपना स्विम सूट पहन कर आती हूँ पहले ओके